आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। 1 जुलाई से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। इसको लेकर बेमेतरा जिले के थाने एवं चौकियों में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत देवर बीजा चौकी परिसर में 1 जुलाई को नए कानून लागू को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया। देवर बीजा चौकी प्रभारी डीएल सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले, 3 नवीन कानून की जानकारी देते हुए प्राचीन काल के समाज में होने वाले नियम कानून से लेकर वर्तमान में समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों को देखते हुए कानून में होने वाले संशोधन के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि अभी के नए कानून कुछ पुराने कानून में संशोधन कर बनाए गए हैं तथा कुछ नए पॉइंट जोड़े गए हैं और अनावश्यक विधि को हटाया गया। 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून हैं वह प्रभावशाली होंगे, जिसमें नए कानून के संपूर्ण गाइडलाइन दी गई है। इस कानून के आने के न्याय और पारदर्शिता होंगे, इससे नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता होगी। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित बलराम पटेल, गोविंद पटेल, टीआर साहू, संजीव तिवारी, हेमलाल देवांगन, ममता देवांगन, केशर सोरी, नोहर देवांगन सहित स्टाफ, स्कूली बच्चे, मन संचालन बीरेंद्र देवांगन, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। पुलिस चौकी देवर बीजा में नए कानून के शुभारंभ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, स्कूल के बच्चे और अन्य गणमान्य नागरिकगण आए हुए थे, जिन्हें इस नए कानून के शुभारंभ का ज्ञान दिया गया और इसके अधिक से अधिक अच्छे से पालन करने का भी निर्देश दिया गया और भविष्य में इस कानून को पालन करवाने के लिए हम गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे, ताकि लोगों को इस नए कानून की जानकारी हो और अच्छे से उन्हें न्यायालय से सही न्याय मिल सके। के द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में कानून में जो संशोधन हुआ है, उसके जागरूकता के लिए लोगों को जानकारी हो, एक छोटा सा बढ़िया कार्यक्रम रखा गया था, जो जनप्रतिनिधि या आसपास के जो गांव वाले, इनको सबको नया कानून में जो संशोधन हुआ है उसकी जानकारी दी गई। यही एक छोटा सा कार्यक्रम आदिवर्य चौकी में रखा गया था। जो नवीन आपराधिक कानून लाया गया है, इसके संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में सभी जितने भी थाना हैं, जितने भी चौकी है, वहाँ शुभारंभ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना था। इसी परिप्रेक्ष्य में चौकी प्रभारी देवर बीजा एवं स्टाफ के द्वारा नवीन कानून अधिनियम की जानकारी देने के लिए उत्सव कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था, हमारे मंडल अध्यक्ष मिस्टर बलराम पटेल जी और हमारे जिला पंचायत के सभापति भाई श्री गोविंद पटेल जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बहुत ही सुढंग ढंग से नागरिक को क्या सुविधा मिलेगी, पुराने कानून में संशोधन की क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में डिटेल से चौकी प्रभारी के द्वारा और हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के द्वारा आम जनता को बताया गया। कानून संशोधन और नया कानून के विषय को लेकर के हमारे चौकी प्रभारी के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जो संगोष्ठी सार्थक रूप से पूर्णतः सफल रहा। हमारे ग्राम जितने भी आसपास के हैं, वहाँ के किसान लोग हैं, विद्यार्थीगण हैं, नौजवान साथी हैं और आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ चौकी में उपस्थित थे और सभी वक्ताओं के माध्यम से जो कानून में संशोधन हुआ है और कानून नया बनाया गया है, उसको विषय के लेकर के चर्चा की गई कि आने वाले समय में जो कानून जो नया बना है और संशोधन हुआ है, उनका लाभ आम जन तक को कैसे पहुँचे। देवर बीजा चौकी के अंतर्गत पूरा जो नया कानून अभी आज 1 जुलाई से लागू हो रहा है, उसी के संबंध में बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पूरा जनप्रतिनिधि, जिसमें गांव वाले, ग्रामीण, आम लोग सब इकट्ठे होकर आज उसका बहुत चर्चा हुआ, जानकारी दिए आपस में एक दूसरे में, सब इस बात का चर्चा करने के लिए गांव-गांव में वापस जब जाएंगे तो यहां से सब गांव में चर्चा भी करना है नए कानून का। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा।